बिल्कुल यार, मैंने 9 दिन तक व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन ज़रूर वेजिटेरियन रही. लेकिन आई थिंक हमारे जो ख़ानदान में है वो पंजाबियों में ज़्यादातर वही होता है नवरात्रि का. तो अष्टमी कल है, तो होपफुली कल, मेरे को लगता है बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मुखर्जीज़ के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा भोग होता है यहाँ पे. तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. जी मुझे मीठा ही पसंद है ओवरऑल. तो एक कोई स्पेशल मिठाई नहीं है. आई थिंक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो वक्त होता है, ये जो समय होता है, वो अपने फैमिली के साथ बिताने वाला होता है. तो इनके साथ जो भी खाओ मीठा लगता है, वो जो भी खाओ अच्छा लगता है. इस साल का थीम मुझे लगता है ऑडियो विजुअल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट देवका का टोल्ड मी. और जिस तरह से उन्होंने बनाया है, स्क्रीन्स बनाए हैं, तो मुझे लगता है ये दिस सपोज टू बी काइंड ऑफ शिवजीज केव, आई थिंक, और माताज केव, आई एम नॉट श्योर विच वन. सो आई थिंक वो थीम ऑडियो विजुअल है. थैंक यू सो मच. जी जी जी, नहीं बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पिछले 15-16 साल से मैं हर साल मतलब पूजा कहीं अलग अलग वेन्यूज़ में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हमेशा ही जो मुखर्जी परिवार है वो मुझे बहुत अपना मानते हैं, मैं भी उनको अपना ही मानता हूं, और इस वजह से हमेशा हर साल मुझे एक मौका मिलता ही है हमेशा परफॉर्म करने के लिए. कभी मतलब बहुत सो अन्य गायकों के बीच में, कभी अपना सोलो शो, लेकिन जैसा भी होता है यहाँ आकर वाकई घर जैसा माहौल है, अपनापन, बहुत प्यार मिलता है और बहुत मज़ा आता है. और ऑफकोर्स साथ साथ जब भी हर साल नए नए थीम्स में, लेकिन माँ का जो मूर्ति और जिस तरह की सजावट होती है, आई थिंक इट्स द बेस्ट देयर इज इन द सिटी. जी 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 जी. नहीं, वैसे तो कोई अलग से गाना इस बार नहीं बनाया, लेकिन अगले साल जरूर बनाऊंगा. बिल्कुल बिल्कुल, हम उपवास करके बैठते हैं, और जब तक हम पुष्पांजलि नहीं देते तब तक हम कुछ खाते नहीं हैं, पानी तक नहीं पीते. बट आज खास है क्योंकि शान यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, और शान अभी तो हमारे फैमिली का सदस्य है, तो ऐसे नहीं लग रहा कि आर्टिस्ट आ रहे हैं, ही इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, पर ऐसे लग रहा फैमिली मेम्बर परफॉर्म करें, तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं उनको परफॉर्म करते हुए देखते हुए. कुछ इस बार कुछ खास ट्रिब्यूट के गाने भी कर रहे हैं, जैसे रवि साहब को, मुकेश जी को, किशोर दा को, क्योंकि हर साल वही गाने सुन सुन के सब शायद बोर भी होते होंगे, लेकिन ये भी होता है कि उसके बाद कुछ मिस हो जाता है तो फिर बहुत डांटते हैं, वो गाना तुमने नहीं गाया, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खास अपने गाने हो. एक्चुअली बहुत पब्लिक डिमांड है. जब शान जी परफॉर्म करते हैं, हम बोलते हैं ये गाना सुनना है, ये गाना सुनना है, एवरी सॉन्ग इतना ब्यूटीफुली गाते हैं. मतलब आप इस बार, आप बहुत चुपचाप रहती हैं, तो इस बार आप बता. नहीं, मैं तो डांस करती हूं, डांस करती हूं, लेकिन वो राजा जो है उसकी आवाज के, हाँ, उसके आगे कुछ लेवल के सामने बिल्कुल नहीं है. राजा इज द वॉइस ऑफ आर पूजा. तो आप अभी बता दीजिए कोई कोई गाना, कोई आप सुनना चाहते हैं बाद में, जैसे मूड होगा. ओके चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. देखिए राजा की का नाम लिया आगे, राजा राजा वेरी सर, एक सोलो सर, एक सोलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवर वॉइस. मैंने वहां पर अनाउंस किया था शान के बारे में, दैट शान इज सो गुड, he is so lovable that every year he makes it a point to perform in our pujas, and he takes full interest to do that, and I love him for that. We all love him we for that. We all love him for that. Do line mane kya gana gaane ke liye, are hum kaise gaana gaenge, to bahut acha ga rahe the mere welcome mein. Beti hawa sa tha wo, udti patang sa tha wo, yahan aaya usse dekho. ढूंढते रहेंगे अभी. चलो अभी मैं, थैंक यू, मैं शान जी को लेके जा रहा हूँ.